राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजित गुट के शहराध्यक्ष प्रशांत पवार के नेतृत्व में उत्तर नागपुर के गुलशन नगर में 4 साल में पहुंच लाइन डालने के बाद भी पेयजल आपूर्ति नहीं होने से त्रस्त 300 महिलाओं ने मटके फोड़े और कावड़ यात्रा निकालकर मनपा आयुक्त कार्यालय पर आंदोलन किया। उत्तर नागपुर स्थित गुलशन नगर में 4 वर्ष पूर्व जलवाहिनी डाली गई, किंतु अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। बुधवार को जल संकट से त्रस्त स्थानीय महिलाओं की ओर से मनपा मुख्यालय में मटके फोड़कर रोष जताया गया। आंदोलन के उपरांत राका के शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार के नेतृत्व में आयुक्त चौधरी से चर्चा करते हुए बताया गया कि जलवाहिनी से जलापूर्ति नहीं होने के कारण हो रही परेशानी से कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, किंतु अधिकारियों की ओर से न तो जवाब दिया जाता है और न ही परेशानी हल की जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने तुरंत ही OCW के अधिकारी नायक को बुलाकर 10 दिनों के भीतर जलवाहिनी से जलापूर्ति शुरू करने के आदेश दिए, जिसके बाद मामला शांत हुआ। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में जलवाहिनियां नहीं है वहां टैंकर से जलापूर्ति करने की मनपा की नीति है। इस नीति के तहत गुलशन नगर में टैंकर से जलापूर्ति तो होती है, किंतु टैंकर चालकों की ओर से इसके लिए पैसे मांगे जाते हैं। ऐसे टैंकर चालकों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश आयुक्त ने दिए। पवार ने कहा कि गुलशन नगर में न केवल पेयजल बल्कि मल जल वाहिनी की भी परेशानी है। इसी तरह से समता नगर में भी गत 8 दिनों में एक बार टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। जब तक अधिकारियों और टैंकर चालकों को पैसा नहीं दिया जाता तब तक टैंकर उपलब्ध ही नहीं किया जाता है। गुलशन नगर और समता नगर में सड़कें, बिजली के खंभे और मल जल वाहिनियां नहीं होने पर भी आयुक्त का ध्यान आकर्षित किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट द्वारा जो आज महानगर पालिका पर मटका फोड़ आंदोलन किया गया है पानी की समस्या को लेकर, क्या बताओगे आज ये आंदोलन किया जा रहा है? आज ये जो पानी के लिए आंदोलन किया जा रहा है नागपुर शहर में, उत्तर नागपुर में जो पानी की किल्लत है, जो 4-4 साल हो गए वहाँ पे OCW ने लाइन डाला है, लेकिन ये महिलाओं को वहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है, जो कि 4 साल से ये पानी के लिए झगड़ रही है। इसका ये टाइप का पानी वहाँ पे आ रहा है, जो कि ये हम अभी वो मैडम को पिलाएंगे और उनको बोलेंगे ये पानी आप पियो, ये पानी की इतनी गंदगी, इतना गंदा पानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, लेकिन उनको ये पानी पीना पड़ता। ये भ्रष्टाचारी OCW कंपनी, इसके कारण बहुत लोगों का स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है। आज ये 4-4 वार्ड की, यानी कम से कम 1.5-2 लाख महिलाएं वहाँ पे परिवार है वहाँ, ये तुम्हारा क्या बोलते उसको टैंकर से पानी देते और टैंकर वाले इनसे पैसे मांगते, 6 दिन में एक बार टैंकर आता, इसलिए हम अभी यहाँ पे आंदोलन कर, पानी की किल्लत के लिए आप यहाँ आंदोलन कर रहे हो। आप सत्ता में हो, आपके पार्टी के जो गद्दावर नेता है वो उप मुख्यमंत्री पद पर है राज्य के, और ऐसे में आपको आंदोलन करने की मतलब यहाँ तक नौबत आ गई है, तो हम अभी इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि ये आवाज वहां तक के जाएंगी। हम सत्ता में, इसका मतलब ये नहीं कि जनता की वहां पे कुछ भी तकलीफ में जनता नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमको आंदोलन करना जरूरी है। हम ये माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार तक के हम ये सब पहुंचाएंगे और कोई भी हालत में पानी की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम यहाँ पे कमिश्नर को बैठने नहीं देंगे, ये हम आपको बता। ये महिलाएं आज यहाँ दिख रही है, कल से अंदर में बैठेंगी, अंदर ही खाना पकाएंगे और यही पानी पियेंगे। आपने बताया कि आवाज पहुँचाना है तो आंदोलन का जरिया आपने अपनाना पड़ा, तो आपकी सत्ता पक्ष की ये हालत है तो विपक्ष की क्या होगी, क्योंकि आपने बोला कि आवाज आपकी वहाँ कोई सुन नहीं रहा है? हमारी आवाज सुन रहा, लेकिन ये जो अफसर है ये अफसर सबसे ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। जो प्रशासन यहाँ पे है वो प्रशासन बदमाशी कर रहा, इसलिए हमको आज यहाँ पे आना पड़ा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित है, महिलाओं से हम जानते हैं कि क्या समस्या आपको आई है, क्या बताओगे? हमारी इधर में समस्या ये है कि हमारे इधर में नगर सेवक रह के भी कोई काम नहीं करते और पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 4 साल हो गए पाइपलाइन डाली हुई, पहले पानी कुछ भी नहीं आता है और हमारे इधर बोर नहीं है ना कुआं नहीं है, और जिसके अभी बोर है वो भी पानी देने को ये करते हैं क्योंकि गर्मी में मोटर में पानी नहीं आता है और जो पानी आता है वो खराब आता है, इसके वजह से हमको पानी की बहुत दिक्कत होती है। और वहाँ पे जो बोरवेल है, जिनके यहाँ बोरवेल है वो भी पानी नहीं देते क्योंकि वो भी बोलते हैं हमारा मोटर जलेगा तो तुम भर के दोगे क्या, तो ऐसी समस्या अगर करते हैं तो
महानगर प्रशासन क्या कर रही है इतने सालों से बत्ती बती है 30 सालों से, लेकिन फिर भी वहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ की रोड की समस्या तो इतनी ज्यादा है कि बारिश में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कौन से एरिया में रहते हो? नगर गुलशनगर एरिया में रहते हम लोग। पानी आता है 4 साल से हमारी इधर लाइन डाल के रखे, पर अभी तक चालू करके नहीं रहे। बोरिंग का पानी आ रहा है, हम पीते हैं। पानी आ रहा है, बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल पीने लायक का पानी नहीं आता है, तो भी हम लोग पीते कैसे भी, क्या करेंगे? प्यासे तो नहीं रहेंगे ना। वही सर, पानी का नल का लाइन डाल के चालू नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? डाले है तो हमने देखा कि महिलाओं का यहाँ आक्रोश हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या किल्लत जो है बड़े पैमाने पर है। बीते साल से ये पानी की समस्या से जूझ रहे नागरिक है। पानी आता भी है तो वो गंदा पानी आता है, और अच्छा पानी मिले और हर रोज पानी मिले, इसी मांग को लेकर आज OCW पर जो है यहाँ पे मोर्चा निकाला गया है। साथ ही साथ मटका फोड़ आंदोलन के जरिए जो है अपनी समस्या को प्रशासन के सामने रखा गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।